दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुनहरी रोशनी से जगमगा रही है। हम आपको अब सबसे ऊंचे सरदार की पहली चमकती हुई तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करके 182 मीटर ऊंची इस मूर्ति को सजाया गया है। मूर्ति को सजाने के लिए दुबई की कंपनी को ठेका दिया गया है। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान को एकता के सूत्र में बांधने वाली इस महान शख्सियत की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस तस्वीर को देखकर यकीनन आपका रोम रोम गर्व से भर उठा होगा। सरदार की मूर्ति रोशनी से नहा रही है, चारों दिशाओं से सरदार की मूर्ति पर रोशनी की बारिश हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो रोशनी सरदार को अपनी सलामी दे रही हो। गुजरात के नर्मदा बांध पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनकर तैयार है। अब इंतजार खत्म होने वाला है। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। आप लोग भी सरदार की मूर्ति को देख सकेंगे, लेकिन उससे पहले दुनिया की सबसे ऊंची सरदार की मूर्ति, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम दिया गया है, लाइट से सजाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का पूरा परिसर दूधिया रोशनी से दमकने लगा है। लाइट से दमकते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ये पहली तस्वीर है। रात को लाइट्स के बीच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को निहारना अद्भुत नजारा है। टेंट सिटी हमारी तैयार हो चुकी है। 250 लोगों की लग्जरी टेंट, सेमी लग्जरी टेंट, ऑर्डिनरी टेंट भी तैयार है। हमारा काफी भव्य यहाँ पे बन चुका है, जो गेस्ट हाउस है वो भी है, तो लोग सब आते रहेंगे और उनका हम स्वागत करेंगे। 182 मीटर ऊंचे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर एक तरफ से नहीं चारों तरफ से लाइटिंग है। 1,23,00,000 रुपए में दुबई की कंपनी लाइट यूनिलेड टेक्नोलॉजी को लाइट्स लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा को रोशन करने के लिए लेजर लाइट का इस्तेमाल किया गया है। लाइटिंग के लिए मूर्ति के चारों तरफ 3 टॉवर लगाए गए हैं। टॉवर को मूर्ति से 700 मीटर की दूरी पर लगाया गया है। एक टॉवर में 24 व्हाइट फ्रेजर लाइट लगाई गई है। दूसरे टॉवर में 50 से ज्यादा लाइट है। एक लाइट 1000 वॉट की है। पर्यटक रात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को अच्छी तरह से देख सकें, इसलिए 182 मीटर तक लेजर लाइट लगाई गई है। भव्य स्मारक ऊंचाई के कारण दुनिया को हिंदुस्तान की शख्सियत की ओर देखने के लिए मजबूर करेगी। माना जा रहा है कि 31 अक्टूबर को जब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जनता के लिए खोला जाएगा, तो यहाँ हर रोज 15,000 पर्यटक आएंगे, और जब पर्यटक यहाँ आएंगे तो निराश नहीं होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।